हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चाहत है एंड मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ लाइफ में बहुत बड़ा करना है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखें। एंड मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। आज अगर हम जैसे हम सारे स्टूडेंट्स हैं या यूथ हैं या फिर जितने भी हैं, अगर हम कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि लेट्स से कोई किसी बंदे ने फोर्थ क्लास के लिए अप्लाई किया, तो फोर्थ क्लास के लिए कितने लोग अप्लाई करेंगे? लाइक 20,000 लोगों ने अप्लाई किया फोर्थ क्लास के लिए, जबकि हमें पता है कि सीट्स कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 100 सीट्स हैं। यानी कि पिछले जो पीछे बचे 19,900 लोग वो बेरोजगार है। एंड ये अब कहाँ जाएंगे? ये जाते हैं प्राइवेट सेक्टर की ओर, यानी कि प्राइवेट जॉब्स, यानी कि कोई किसी मॉल में लग रहा है, कोई कहीं पे, कोई किसी शॉप की दुकान में। लेकिन हमें पता है कि प्राइवेट जॉब भी इतनी नहीं है, यानी कि 10,000 हम लेकर चलते हैं, 10,000 जॉब्स हैं, ठीक है। फिर भी 9,900 लोग जो है ये आज टोटल बेरोजगार लोग हैं, इसके पास कोई भी जॉब नहीं है, ठीक है। तो जिस काम के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस काम का नाम है मोदी केयर, जिसमें आपको 100% एम्प्लॉयमेंट मिलता है। यानी कि 100% एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे एंड आपके पास एक जॉब होगी, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो आपके पास एक जॉब होगी। तो जिस काम के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है मोदी केयर। एंड जैसा कि आपको पता ही है, ये आपको जो काम करना है आपको 30 डेज में सिर्फ एक घंटा काम करना है, 30 डेज में सिर्फ एक घंटा काम करना है। एंड वो काम करने के बाद आपकी जो सैलरी रहेगी वो इस तरह से रहेगी, फर्स्ट मंथ की 1500, सेकंड मंथ की 5000, थर्ड मंथ की 15,000 एंड सो ऑन, इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। और मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि काम के बारे में, तो जो मोदी केयर है इनके ओनर का नाम है समीर मोदी इनके ओनर का नाम है। इज ए बिजनेस टाइकून, इनके 22 बिजनेस चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। एंड ये इनकी पिक है समीर मोदी जी की, आप इनके बारे में गूगल में सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। समीर मोदी जी के 22 बिजनेस चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, इन्होंने एक बिजनेस निकाला है इंडिया के यूथ के नाम, जिसका है नाम है मोदी केयर। यूथ भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं वैसे, लेकिन मेजोरिटी में भी यूथ इसको कर रहा है। एंड इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो मोदी केयर में होता क्या, सपोज करिए आपने इस चिप्स के बारे में सुना होगा, लेज चिप्स के बारे में आपने सुना होगा। इसका कोई ना कोई ओनर तो जरूर होगा, अगर ओनर नहीं होगा तो कंपनी चलती नहीं है। तो आप सबको इतना तो पता होगा कि लेज चिप जो MRP पड़ती है लेज चिप्स की 20 रुपीज, ओके, लेज चिप्स 20 रुपीज का आज बिक रहा है मार्केट में। ओनर को ये कितने की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे बनेगा, तो क्या कोई बता सकता है कितने की कॉस्ट पे इसको आएगा? कोई नहीं, 2 रुपीज में ओनर को बनेगा ये चिप्स का पैकेट, 2 रुपीज में। क्योंकि हमें पता है कि ये चिप्स बनते हैं आलू से, आलू से बनते हैं। एंड आलू अगर ये उठाएगा ओनर एक फार्म से उठाएगा या जहां से उठाएगा, उसको ये जो आलू होंगे, अगर आज आलू 10 रुपीज केजी है तो उसको मिलेंगे 3 रुपीज केजी। 1 किलो आलू में हमें पता है कितने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5-6 पीस होते हैं। लेकिन एक लेज के चिप्स में कितने आलू होते हैं? एक लेज के चिप्स में एक ही आलू होता है, और वो कंपनी का आलू कितने का पड़ा? 50 पैसे का। एंड 50 पैसे आप लगा लो स्पाइसेस का खर्चा हो गया, एंड 50 पैसे आप लगा लो इसकी पैकिंग हो गई, एंड 50 पैसे आप लगा लो लेबर चार्जेस हो गए। राउंड अबाउट 2 रुपीज में उसको ये पैकेट बन के तैयार हो गया, ओके। एंड ये कितने का बिका? 20 रुपीज में बिका। एंड बीच का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो कितना होता है? 18 रुपीज। तो हम जैसे लोगों को, हम जैसे कस्टमर्स को ये लगता है कि 18 रुपीज कौन कमा रहा है? ओनर कमा रहा है, लेज चिप्स का ओनर कमा रहा है 18 रुपीज। बट ऐसा होता नहीं है, 18 रुपीज नहीं कमाता, ओनर को थोड़ा ही मिलता है, यानी कि ओनर को सिर्फ 1 रुपया मिलेगा। तो ये 17 रुपीज अब कहाँ जाएंगे? क्वेश्चन आता है ये 17 रुपीज अब कहाँ जाएंगे? तो आपको पता है कि लेज चिप्स का एडवर्टाइजमेंट, लेज चिप्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? लेज चिप्स के ब्रांड एम्बेसडर का आज नाम है सैफ अली खान। अगर इसका एडवर्टाइजमेंट देगा लेज चिप्स का, तो कुछ ना कुछ तो लेगा, बीच में से कुछ ना कुछ तो लेगा, यानी कि एडवर्टाइजमेंट हुआ, सैफ अली खान ने अगर पैसा लिया तो क्या ओनर अपनी जेब से देगा? नहीं, ओनर अपनी जेब से देगा, तो ये कहां से जाएगा? ये इसी 17 रुपीज में से कुछ हिस्सा जाएगा सैफ अली खान को। एंड जिन जिन ने उसकी एड को शूट किया है उनको, एंड जिस जिस चैनल पे वो एड चली है उन तक ये थोड़ा थोड़ा हिस्सा जाएगा, ठीक है, 17 का कुछ परसेंटेज। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट हो गई, सपोज करो ऑल ओवर इंडिया एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, बट लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचेगा कैसे? लेज पैकेट लोगों तक पहुंचेगा कैसे? तो उसके लिए बनते हैं आगे सी एंड एफ एजेंट, यानी कि कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट, ठीक है, जो आगे किसको माल देते हैं? होलसेलर्स को, एंड देन वो देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को एंड रिटेलर्स को, और लास्ट में किसको बिकता है? कस्टमर को, ठीक है सर। सर आपका नाम क्या? श्याम बाबू।
श्याम जी को ये बिक गया जो है 20 rupees का, लेकिन हमें पता है, अच्छा सॉरी, सीड ऑफ एजेंट जो है, सीड ऑफ एजेंट अगर वो इतना बड़ा काम कर, सीड ऑफ एजेंट स्टेट में एक या दो ही होते हैं, सीड ऑफ एजेंट अगर इतना बड़ा काम कर रहा है, लाइक वो सीड ऑफ एजेंट आगे होलसेलर्स को माल दे रहा है जो कि स्टेट में या कितने ही होंगे, 40 से 50 होंगे, अगर वो इतना बड़ा काम कर रहा है तो क्या कंपनी से वो कुछ मार्जिन लेगा नहीं क्या? क्यों नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा, ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ मार्जिन कंपनी से इसने लिया, बट कंपनी का ओनर कहाँ से देगा? ये ओनर है कंपनी का, मालिक कहाँ से देगा? वो यहीं से देगा, इसी 17 rupees में से अब कुछ हिस्सा जाएगा यहाँ पे, ओके। होलसेलर ने सेम काम किया, होलसेलर ने अगर काम करा तो क्या वो कंपनी से कुछ चार्ज नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, ऑब्वियसली बात है वो करेगा। तो कंपनी के ओनर ने क्या अपनी जेब से देना है? नहीं, कंपनी का ओनर यहीं से देगा, जो मार्जिन बचता है 17 rupees, बाकी का उधर से ही दे देगा। डिस्ट्रीब्यूटर है, इसने भी यहीं से लेना है, रिटेलर है, इसने भी यहीं से लेना है। बट इसको क्या मिला? जो कस्टमर था जिसने ये चिप्स लिया 20 rupees का, उसने लेज खरीद लिया, उसको क्या मिला? चिप्स मिला। कस्टमर को ये चीज 2 rupees के चिप्स बिक गए 20 rupees में, यानी कि उसको 2 rupees के आलू बिक गए 20 rupees में, ठीक है। एंड 18 rupees जो थे बीज के वो चले गए, इसको हम बोलेंगे मार्केट, इसको हम बोलेंगे मार्केट। तो जो 18 rupees से बीज के वो चले गए मार्केट में, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एक और प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा, थम्स अप के बारे में। आप सबको पता है थम्स अप का आज ब्रांड एम्बेसडर कौन है? थम्स अप का ब्रांड एम्बेसडर आज सलमान खान इसका ब्रांड एम्बेसडर है। आज ये 2 liter की बॉटल जो है इनकी बिकती है 85 rupees में। थम्स अप की बात करो, इसका जो ओनर है, ओनर को ये बॉटल बन जाती है हार्डली 10 rupees में, कुछ नहीं होता है, पानी होता है, शुगर होता है इसमें 25 से 30 चम्मच, उसके बाद इसमें CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें गैस होती है, एंड पैकेजिंग लगाकर 10 rupees की लगभग इनको हो जाती है तैयार। लेकिन बिकती कितने की आज? 85 rupees की, यानी कि बीच में डिफरेंस कितना है? 75 rupees का। ओनर हमेशा अपने पास थोड़ा ही पैसा रखता है क्योंकि उसको सेल निकालनी है ज्यादा, ठीक है। यानी कि ओनर ने अपने पास कितने रखे? 5 rupees रखे। एंड 70 rupees फिर से, जैसे मैंने आपको बताया था पीछे, एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे, सी एंड एफ एजेंट्स में जाएंगे, होलसेलर में जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर में जाएंगे, रिटेलर में जाएंगे, एंड देन जाएंगे, कस्टमर को ये प्रोडक्ट बिक जाएगा। तो अब सपोज करो ये जो 70 rupees से कहां जाएंगे? सलमान खान की जेब में कुछ जाएगा, सलमान खान की एड को जिसने शूट किया वो भी लेंगे पैसा, जिस जिस चैनल पे वो एड चलेगी वो भी पैसा लेंगे। अब एडवर्टाइजमेंट तो हो गई, सबको पता चल गया थम्स अप बहुत अच्छी कोल्ड ड्रिंक है, यू नो, तो अब वो क्या होगा कि लोगों तक पहुंचेगी कैसे? कोल्ड ड्रिंक लोगों तक पहुंचनी कैसे है? तो उसके लिए बनेंगे सी एंड एफ एजेंट, जैसे कि लेज के बने थे पिछले एग्जाम्पल में। तो सी एंड एफ एजेंट ये अब ये यहां से लेंगे पैसा, अगर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, होलसेल भी यहीं से लेगा, डिस्ट्रीब्यूटर यहीं से लेगा, रिटेलर यहीं से लेगा। कस्टमर को क्या मिला? कस्टमर को कोल्ड ड्रिंक मिली, राइट, कस्टमर को कोल्ड ड्रिंक मिली, बट कितने में? 10 rupees की कोल्ड ड्रिंक उसको बिक गई 85 rupees में, यानी कि 75 rupees उसके कहां चले गए? फिर से मार्केट में चले गए। तो मार्केट में 75 चले गए। ये एक कोल्ड ड्रिंक, एक कोल्ड ड्रिंक के बॉटल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से करोड़ों कोल्ड ड्रिंक के बॉटल रोज बिकते हैं, चिप्स के पैकेट करोड़ों रोज के बिकते हैं, यानी कि इन दो एग्जांपल्स की तरह, लेज और थम्स अप की तरह, आज मार्केट में 1000+ चीजें आती हैं, जैसे कि साबुन, पेस्ट, तेल, हार्पिक, जो भी हम करते हैं, पॉलिश, जो भी कुछ भी, सब के सब इतनी सी कॉस्ट पे बनते हैं और इतनी सी कॉस्ट पे बिकते हैं, ठीक है। जो बीज का मार्जिन होता है वो सारा का सारा कहां पे जाता है? मार्केट में जाता है, ठीक है। एंड कस्टमर बेचारा चिल्लाता रह जाता है कि भाई महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, बट महंगाई कभी नहीं बढ़ती है, हमेशा इनके रेट्स बढ़ते हैं। सपोज करो 35 का था अभी थम्स अप, ठीक है, मैंने कुछ 2 महीने पहले पिया था, एंड अब मैंने पिया कुछ तो 38 का हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं था जो उसमें रॉ मटेरियल पड़ा वो कॉस्टली हो गया, इन सबके रेट बढ़ गए। इन सब ने बोला मुझे आपकी सेल अच्छी हो रही है, मेरे को थोड़ा सा और दो, ये बोलेगा मुझे थोड़ा और दो, होलसेलर बोलेगा मुझे और दो, ये बोलेगा मुझे ये और दो, लेकिन ये बेचारा नहीं बोल सकता क्योंकि ये कस्टमर है, ठीक है, इसको देना ही पड़ता है। तो मार्केट में आज कस्टमर ऑल ओवर इंडिया में, या कहीं पर भी बोलते हैं, ऑल ओवर इंडिया बोल रहा हूँ, 1000+ चीजें हैं और करोड़ों लोग हैं इंडिया में और 1000+ चीजें हैं, यानी कि आज मार्केट में हमें इतना तो पता है कि आज अरबों रुपया जो है वो मार्केट में जा रहा है, अरबों रुपया बेफालतू का कस्टमर का मार्केट में जा रहा है। जैसे कि इसने जो गुड्स खरीदे थे, वो जो मैंने आपको चिप्स की एग्जांपल दी थी, लेज चिप्स की जो एग्जांपल दी थी मैंने आपको, जो चिप्स थे वो 2 rupees के थे, लेकिन एक्स्ट्रा कितने दिए मार्केट में? 18 rupees एक्स्ट्रा दिए, यानी कि कस्टमर का इस 2 के साथ ही था लेना देना, बट उसने एक्स्ट्रा कितने दे दिए? 18 rupees। वैसे यहाँ पे कस्टमर का कितना था? कस्टमर का सिर्फ लेना देना था
₹10 से मगर उसने 75 फिर भी एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है। यानी कि आज हमें पता है हजारों चीजें, करोड़ों लोग और अरबों रुपया मार्केट में बेफालतू का जा रहा है, ठीक है। तो अब मोदी की एक सिस्टम बन गया, इसने बोला कि इन अरबों रुपए को जो मिलियंस हैं, बिलियंस हैं मार्केट में, इनको कस्टमर की जेब में कैसे डाला जाए। तो कस्टमर की जेब में अरबों रुपया कैसे डाला जाए, तो मोदी क्या करता है, मोदी क्या करता है, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुना है किसी ने? डायरेक्ट सेलिंग के बारे में किसी सुना है? सुना तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है फैक्ट्री में सामान बनता है एंड किसको बिकता है, डायरेक्ट कस्टमर को बिकता है। यानी कि बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, जैसे कि ये बीच वाले थे, जैसे लेस की हो रही थी सेल, ठीक है, उसमें क्या था, पहले एडवर्टाइजमेंट हो रही थी, सी एंड एफ एजेंट हो रहे थे, बीच में बन रहे थे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर। बट डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, फैक्ट्री में सामान बनता है और कस्टमर को बिकता है। समीर मोदी जो कि इस कंपनी का ओनर है, उसकी फैक्ट्रियां चल रही हैं जिसमें कि सामान बन रहा है मोदी केयर का। 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं आज मोदी केयर के। अगर मैंने प्रोडक्ट्स का नाम लिया तो आप लोग यही सोचोगे कि इसमें कुछ ना कुछ जो इन्होंने बोला था कि 30 डेज में 1 घंटे का काम है, तो ये तो मुझे लास्ट में यही बोलेंगे कि तुझे प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। बट मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि आपको मोदी केयर में 1 रुपए का भी प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। यानी कि आपको 30 डेज में सिर्फ 1 ही घंटा काम करना है और 1 रुपए का प्रोडक्ट भी सेल नहीं करना। तो फिर आपको इनकम कैसे आएगी, जो मैंने लिखी है यहाँ पे, फर्स्ट मंथ की 1500, सेकंड मंथ की सेकंड मंथ की 5000 एंड 15000 एंड सो ऑन, वो कैसे आएगी अगर काम ही कुछ नहीं है। तो आप प्लीज कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है, इस पे मैं आपको बता रहा था। तो इसका कोई इंटरमीडिएट नहीं, यानी कि ये करता है डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। फैक्ट्री में सामान बनता है, सीधा किसको बिकता है, कस्टमर। तो मोदी केयर क्या करता है, मोदी केयर करता है नेटवर्क मार्केटिंग। मोदी केयर करता है नेटवर्क मार्केटिंग करता है मोदी केयर, ठीक है। आप में से किसी को पता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? सर प्रोडक्ट सेल करने पड़ते हैं, प्रोडक्ट सेल करने पड़ते हैं, समथिंग ऐसा ही होता है। बट नेटवर्किंग में ऐसा नहीं होता है, आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करने पड़ते हैं, आपको नंबर ऑफ पीपल जो है वो बढ़ाने पड़ते हैं अपने नेटवर्क में, ठीक है। आपको पता दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? बिल गेट्स। अभी तो फिलहाल जेफ बेजोस है। आपको नाम सुना कभी अपने इसका, जेफ बेजोस का नाम सुना है आपने कभी? अमेज़न, यस राइट, अमेज़न का ओनर है जेफ बेजोस, amazon.com, अमेज़न का ओनर है जेफ बेजोस। ये 1 सेकंड की इनकी इनकम है अराउंड 2.5 लाख 1 सेकंड की। यानी कि अगर ये आज सांस ले रहे हैं तो इनको 2.5 लाख रुपया बैंक में आ रहा है, एंड अगर सांस छोड़ रहे हैं तब भी इनका 2.5 लाख रुपया बैंक में ही आ रहा है, मतलब सांस लेने के ये पैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे को सिर्फ इतनी सी बात बताओ, अभी तो मैं एज ए पार्ट टाइम कर रहा हूँ मोदी केयर को, बट प्रोफेशनली मेरा जो काम है मैं लैपटॉप सेल करता हूँ, ठीक है। मेरे को सिर्फ इतनी सी बात बताओ, अगर मैं अपने ऑफिस से लैपटॉप लेकर एक ट्रक में डालूं और उनको जाऊं बेचने के लिए, तो क्या मैं 1 सेकंड में 2.5 लाख रुपया कमा सकता हूँ अपने दम पे? नहीं, अपने दम पे मैं कमा सकता हूँ? नहीं कमा सकता, सिंपल सी बात है, नहीं कमा सकता। बट ये भी तो इंसान ही है, ये कैसे कमा रहा है? ये कर रहा है नेटवर्किंग कर रहा है, यानी कि ये भी नेटवर्क मार्केटिंग जैसा ही कुछ कर रहा है। नेटवर्किंग यानी कि इसके नीचे नेटवर्क बना हुआ है, इसके नीचे लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए जेफ बेजोस के लिए आज लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। ये इतना काम नहीं कर रहा जितने इसके नीचे लोग काम कर रहे हैं। मोदी केयर में प्लीज फोकस, मोदी केयर में सेम चीज होती है, आप काम उतना नहीं करते हो, आपके नीचे लोग काम करते हैं आपके लिए, ठीक है। आप काम उतना नहीं करते, आपके नीचे लोग काम करते हैं। तभी तो मैंने आपको कहा कि 1 ही घंटे का काम है 30 डेज में, पूरे 30 डेज में 1 ही घंटे का काम है। तो 1 घंटे का काम क्या होगा, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि 1 घंटे का, तो मोदी के का काम आज 29 स्टेट्स में चल रहा है, 29 स्टेट्स में इसका काम चल रहा है, हर एक स्टेट में इसकी 3 से 4 शॉप्स हैं, ठीक है। एंड मोदी केयर में क्या हो रहा है, मोदी केयर में सपोज करो, आपको मैं पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा, नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, सपोज करो आपका नाम क्या, आकाश, सपोज करो आकाश है, आकाश ने मोदी केयर का काम करना है, वो यहाँ पर आए हैं ज्वाइन होने के लिए, ठीक है। तो आकाश के नीचे जो है 2 बंदे ज्वाइन होंगे, ठीक है, एंड उनके नीचे 2-2 बंदे ज्वाइन होंगे। इसी तरह से आकाश के नीचे क्या बनेगा, नेटवर्क बनेगा। जैसे जेफ बेजोस जो मैंने आपको बताया था अमेज़न का ओनर है, उसके नीचे भी नेटवर्क है, लोग काम करते हैं, वैसे ही अब क्या होगा, आकाश के नीचे लोग काम करेंगे। यानी कि मोदी केयर में आकाश इतना काम नहीं करेगा, लेकिन इसके नीचे अब लोग काम करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, कुछ इस तरह से होगा, वो जो मैंने आपको काम बताया है, सपोज करिए आपके नीचे आकाश कोई एक बंदा है लास्ट वाला, उसने वो 1 घंटे का काम जो मैं आपको बताऊंगा आगे वो किया, उसका जो परसेंटेज, जो उसका जो भी वो काम करेगा, उसका कुछ उसका जो परसेंटेज होगा वो उतना ही उसको भी मिलेगा जिसने उसको इस कंपनी में लाया है, और
उतना ही उसको मिलेगा जिसने उसको लाया है, वो कहां तक जाएगा, आकाश आप तक जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहां से कोई नीचे से किसी बंदे ने वो काम किया तो उसका जो प्रॉफिट होगा उस काम से, उसको जिसने इसको इस कंपनी में लाया उसको इससे होता हुआ कहां तक जाएगा, आकाश तक जाएगा। इसी तरह से अगर आकाश के नीचे 350 लोग जुड़ते हैं एंड उनका जितना भी प्रॉफिट होगा वो कहां तक जाएगा, आकाश तक जाता है, ठीक है। तो उन सबका प्रॉफिट आकाश तक जाता है, ठीक है। तो नेटवर्क, तो मैं काम पे आऊंगा, जो मैंने आपको कहा था कि वन आवर का काम है सिर्फ, और 30 दिनों में सिर्फ एक घंटे का काम है, मैं काम पे आऊंगा। तो काम आपका कुछ ऐसे हो जाता है, आपका काम सिर्फ 3 स्टेप में पूरा हो जाता है। अभी तक जिसने इस वीडियो को या फिर जिसने यहाँ पे लोग बैठे हैं अभी तक नहीं देखा, वो प्लीज इस पे कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि अब काम की बात होने वाली है कि पैसा कैसे बनेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप आपको ये रहेगा कि आपने इस वीडियो को दो लोगों के साथ शेयर करना है, 2 persons, इस वीडियो को आपने दो लोगों के साथ शेयर करना है। एंड ऐसा नहीं है कि आपने व्हाट्सएप पे किसी को शेयर कर दिया, नहीं, आपने उस बंदे के साथ बैठना है, आपने उस बंदे के साथ बैठना है, उसको बोलना है हेडफोन्स, अगर उसके पास है हेडफोन्स तो बहुत अच्छा है, उसको ये हेडफोन्स लगाकर पूरा जो मैंने आपको सिस्टम बताया किस तरह से मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैसे हो रही है, पैसा सारा हमारा मार्केट में जा रहा है, वो बताना है पूरा, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है सेकेंड स्टेप आपको ये करना है कि आपको 700 rupees की शॉपिंग करनी है पर मंथ, जो आप इतने सालों से अपने घर का सामान लिए जा रहे हो बाहर से, और इन सारा बीज का जो मार्जिन है वो कहाँ जाया जा रहा है, बीज की मार्केट में, बट आपको कुछ मिल नहीं पा रहा। आपको मिनिमम शॉपिंग करनी है 700 rupees की मोदी केयर से, यही कोई जैसे आप जैसे ही ज्वाइन होते हो उसके कुछ दिनों के बाद ही आपको शॉपिंग करनी है, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप ये है कि आपको एवरी लास्ट संडे ऑफ द मंथ, हर लास्ट संडे मंथ के हमारी कंपनी में मीटिंग होता है, जिसमें आपको लेग सिस्टम के बारे में बताएंगे कि किस तरह से आप लेग खोल के अपने पैसे को डबल ट्रिपल आप कर सकते हो, मतलब अच्छी तरह से आप इस बिजनेस को आप कर सकते हो, वो आपको एवरी लास्ट संडे हम बता देंगे कब होती है मीटिंग इसकी। तो इस कंपनी में पैसा बनता कैसे है, like, ये जो 2% आप बोलोगे मैंने तो 2% दे दिए 30 days में, मैं कहूँगा इतना सा ही काम है कि 2% देने हैं, 700 का सामान लेना है एंड एवरी लास्ट संडे आना है, तो बहुत इजी है। बट इससे हमें पैसे बने कैसे, हमारा नेटवर्क क्रिएट कैसे होगा जिसके लिए हम काम करें, हमारे नीचे नेटवर्क बनना चाहिए, लोग हमारे नीचे काम करने चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो 2 बंदे हैं एक कंडीशन है इसमें, इस कंपनी में आपको काम करने की, कि आप इस कंपनी में आईडी तब तक क्रिएट नहीं करवा सकते जब तक आप इन 2 बंदों को वीडियो ना दिखा दें, और वीडियो दिखाकर आपको उनको 2 बंदों को आपको ऑफिस में लेकर आना है, ठीक है। एंड ये काम आपको करना है 5 days के अंदर अंदर, ये काम आपको करना है 5 दिन अंदर, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 बंदों को पास बैठ के, ऐसा नहीं है कि आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है, फेसबुक पे आपको 2 लोगों को उसको सेंड करना है व्हाट्सएप पे, लेकिन उसके साथ बैठना है, क्योंकि ऐसे इस वीडियो को कोई नहीं वॉच नहीं करेगा, ठीक है। आपको उसके साथ बैठ के उसको बोलना है कि मेरे साथ तू इस वीडियो को देख, ठीक है। आपने 2 बंदों को देखना है एंड साथ बैठ के देखना है, एंड 5 days के अंदर उनको जो है आपने यहाँ पर लेके आना। अगर वो नहीं आना चाहते तो किसी और 2 बंदों को आप वीडियो दिखा सकते हो, बट आपके वो 2 बंदे ऑफिस में आना कंपलसरी है, उन 2 बंदों को ऑफिस में आना पड़ेगा और अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ताकि फिर ही आपकी जो है आईडी क्रिएट होगी। अगर आप तो ये जो 5 days है, इस 5 days का क्या फंडा, मतलब ये 5 दिन मैंने क्यों दिया आपको कि 5 दिन में 2 लोगों को दिखाओ वीडियो साथ में बैठ के, ऐसा क्यों बोला मैंने, तो उसके पीछे भी एक रीजन है। जो इनकम बन रही है ना आपकी फर्स्ट मंथ की, या जो आपकी इनकम बन रही है 1500, सेकंड मंथ की 5000 एंड थर्ड मंथ की 15000, ये इसी 5 days के रीजन से ही बन रही है। मैं आपको बताता हूँ, प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मैं आपकी 2 months की सैलरी यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आपकी आ गई फर्स्ट मंथ की सैलरी एंड ये आ गई आपकी सेकंड मंथ की सैलरी, ओके। फर्स्ट मंथ में क्या होगा, आकाश आपका नाम आकाश था, आकाश अगर आपको इस कंपनी में काम करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको 2 लोगों को इसके वीडियो को दिखाना पड़ेगा साथ में बैठ के, एंड उनको ऑफिस में लेकर आना पड़ेगा उनका नाम रजिस्टर करवाने के लिए, ठीक है। यानी कि ये आकाश है, आकाश ने 5 दिन के अंदर कितने बंदों को इस वीडियो को दिखाया और यहाँ पर लेके आए ऑफिस में 2 बंदों को, ठीक है। यानी कि ये 5 दिन में काम हुआ। अब अगर इन 2 को काम करना आकाश तो क्या करना पड़ेगा, सेम चीज करनी पड़ेगी, आगे 2 लोगों को इनको वीडियो दिखाना पड़ेगा एंड क्या करना पड़ेगा, उनको ऑफिस में लाके उनका नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर अब क्या होगा, ये 2 लोग इसी तरह से करेंगे तो कितने बंदे आएंगे, 2 और हो जाएंगे नेक्स्ट 5 days में, मतलब इन 2 बंदों ने 2 को दिखाया तो 2 बंदे और आगे, ठीक है। एंड इसी तरह से 5 days क्या होगा, 4 एंड नेक्स्ट 5 days में क्या होगा, 8 बंदा आएगा उसी के थ्रू वीडियो के थ्रू, ठीक है। एंड नेक्स्ट 5 days में क्या होगा, 16 बंदा आएगा वीडियो के थ्रू, एंड नेक्स्ट 5 days में क्या होगा, 32 बंदे आएंगे। यानी कि आकाश आपने कितना सा काम किया था, आपने सिर्फ 1 घंटे का काम किया था कि आधा घंटा एक के साथ बैठे उसको वीडियो दिखाया, आधा घंटा दूसरे के साथ बैठे उसको वीडियो दिखाया, ठीक है, एंड आपका 1 घंटा वेस्ट हुआ, ठीक है। अगर मैं इन सबका टोटल करता हूं, सबसे पहले आपको दिन कितने होते हैं कंपनी में,
आकाश को कितना टाइम हो गया, आकाश को हम टोटल करेंगे तो आकाश को हो गए 5, 10, 15, 20, 25, 30 दिन, आकाश को टोटल हो गए 30 days इस कंपनी में, ठीक है। आकाश ने कितना काम किया था, एक ही घंटे का काम किया था, एक के साथ बैठा था, दूसरे के साथ बैठा था, उनको वीडियो दिखाई थी, ठीक है। एंड आकाश ने अपनी करवाई थी बिलिंग 700 rupees की, पहले उसने दो बंदों को वीडियो दिखाई, 700 की बिलिंग कराई, विद इन 5 days या 7 days के अंदर बिलिंग करवा दी। एंड उसके बाद ये जितने, अब मैं बताऊंगा कि आकाश के नीचे नेटवर्क कितना बनता है, तो आकाश आपके नीचे जो नेटवर्क बनता है आपको मिला के वो बनता है 127, ठीक है। 127 बंदा, यानी कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग, आप बोलते हैं सामान बेचने का बिजनेस है, बट आपने इस, मैंने अभी तक मैंने आपको कहा कि इसमें कुछ आपने बेचना है, अभी तक कुछ नहीं बेचना, ठीक है। यानी कि आपने कुछ नहीं बेचा, सिर्फ अपना सामान लिया था और दो बंदों को आपने इस कंपनी में जो है लाया था, ठीक है, उनके थ्रू अब आगे आपके क्या हुआ, नेटवर्क बना, ठीक है। और किसी ने किसी को कुछ सेल नहीं किया, अपना अपना सबने अपना अपना सिर्फ सामान लिया, घर का सामान जो कि साबुन पेस्ट सेल, वो भी इन्हीं रेट्स पे जो आपको बाजार से मिलते हैं रेट, साबुन पेस्ट सेल के उसी रेट पे आपको मोदी केयर के भी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जो कि उनसे भी बढ़िया क्वालिटी पे है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसका डेमो में दिखाऊंगा, ठीक है। तो आकाश आपके नीचे क्या हुआ, 127 लोग आपके नीचे, आपको एक महीना हो गया कंपनी में, सबने सिर्फ अपना अपना सामान लिया, किसी ने किसी को कुछ सेल नहीं किया, ठीक है, किसी ने किसी को कुछ सेल नहीं किया। एंड 127 अगर मैं लोगों का करूंगा 700 के साथ, तो कितने का सेल किया आपने आकाश, 88,900 का, ठीक है। यानी कि आपने कितने का सेल किया, 88,900 रुपए की सेल दी आपने कंपनी को, मतलब आपके नेटवर्क के थ्रू कितने की सेल निकली कंपनी को, 88,900 की। अब कंपनी में होता क्या है, मैं आपको सेकंड में बता देता हूँ कंपनी में होता क्या है। मैंने आपको बताया था ना इसमें ऐसे इस तरह से बनता है नेटवर्क बनता है, तो होता क्या है, सपोज करो आकाश, ये आप ऊपर आकाश है, ठीक है, तो आकाश के डाउन में जितना, सपोज करो ये बंदे ने 700 का सामान लिया, ठीक है, इसको इस कंपनी में हाफ पॉइंट मिलते हैं, लाइक अगर आप 100 की चीज परचेज करते हो आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं इसी के जो शॉप ऐसी, ठीक है। एंड इसका 200 की शॉपिंग करोगे तो 100 पॉइंट्स मिलेंगे, 300 की शॉपिंग करोगे तो 150 पॉइंट्स मिलेंगे, इसी तरह से 70 करेंगे कितने पॉइंट मिलेंगे, 350। नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, नीचे से प्रॉफिट जाता है ऊपर तक पूरा, ठीक है। यानी कि अगर ये कुछ काम करता है, यानी कि ये कुछ परचेज करता है, तो उसके पॉइंट कहां जाएंगे, इस वाले बंदे तक, यहां से होते हुए यहां तक, और कहां तक जाएंगे, आकाश तक जाते हैं, ठीक है। इस तरह से यहां से किसी ने 70 की सामान लिया अपने घर का, किसी उसने सेल नहीं किया, सिर्फ अपने घर के लिए लिया, एंड वो कितने पॉइंट आते हैं, 350 पॉइंट। ये 350 पॉइंट इसको भी मिलेंगे, इसको भी मिलेंगे, इसको भी मिलेंगे, एंड कहां तक जाएंगे, आकाश तक जाएंगे 350 पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये काम चलता है। और इन पॉइंट्स के ऊपर कंपनी में हर महीने की 7 तारीख को कंपनी करती है इन पॉइंट्स का एड, एंड इन पॉइंट्स पे आपको क्या मिलता है, पैसा। जितने भी नीचे बंदों ने अपने अपने अपना अपना सामान लिया हुआ है उनके पॉइंट्स आप तक आएंगे काश, ठीक है। तो उन पॉइंट्स का जो है कंपनी आपको देती है, पैसा देती है, ठीक है। तो मैं सेकंड मंथ की बात करूंगा, सॉरी फर्स्ट ही मंथ की बात मैं करूंगा, कितना कितना बिजनेस निकलता आपका 30 दिनों में, 88,900 का, यानी कि इसके हाफ पॉइंट बनेंगे, ठीक है। तो हाफ पॉइंट बनेंगे कितने बनेंगे, 44,450 पॉइंट्स, ठीक है, जिनको बीवी में डिनोट किया जाता है मोदी केयर में। तो 44,400 पॉइंट्स फर्स्ट मंथ में आपको राउंड अबाउट मिलता है कंपनी से 4%, आपको 4% मिलता है पॉइंट्स का, ठीक है, कंपनी में फर्स्ट मंथ में, ठीक है। तो 44,450 इंटू हम करेंगे 4%, तो कितने कितने आपकी बनती है सैलरी, 1778 की आपकी सैलरी बनती है, यानी कि 1778 रुपए आपके बनते हैं फर्स्ट मंथ के, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में आपने, अगर हम सपोज करते हैं इन्होंने कुछ लोगों ने इनमें से बिलिंग नहीं करवाई, लाइक किसी को काम पड़ा कुछ हो गया, आधे बंदों ने बिलिंग नहीं करवाई, थोड़े बंदों ने बिलिंग नहीं कराई, पॉइंट्स नहीं आए, तो भी आपका कितना बनता है राउंड अबाउट सैलरी 1500 रुपीज की। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा स्टार्टिंग में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं मिलेगा, 1500 ही मिलेगा पहले महीने में, लेकिन मजा आने शुरू हो जाता है सेकंड मंथ से कंपनी में। ये मैंने मिनिमम लिखा है, मिनिमम, ठीक है। सेकंड मंथ में आप ध्यान दो क्या होगा, आकाश अगर इन लोगों को काम करना है कंपनी में तो क्या करना पड़ेगा, डबल बंदे, दो बंदे को लाने नहीं पड़ेंगे, उनको वीडियो दिखाना पड़ेगा, एंड उनको वीडियो दिखाकर अच्छा लगता है तो उनको यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, ठीक है, एंड उनका नाम फिल करवाना पड़ेगा, तभी उनकी आईडी क्रिएट होगी, ठीक है। तो सेकंड मंथ में क्या होता है, 64 बंदे जो है आएंगे, ठीक है, 5 days में। उसके बाद अगर इनको काम करना है सेम चीज करनी पड़ेगी, आगे वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें, लेकिन बैठ के साथ में दिखाना है, ऐसा नहीं है कि सेंड कर दिया बस, बैठ के दिखाना साथ में, ठीक है। एंड अगर उनको अच्छा लगता है तो उनको साथ में एक बार लेकर आने का, नाम इनका यहाँ पर रजिस्टर करवाना है, ठीक है। तो अब ये बंदे काम करेंगे 128 आएंगे नेक्स्ट 5 days में, 256 आएंगे नेक्स्ट 5 days में, 512 आएगा नेक्स्ट 5 days में, 1024 आएंगे नेक्स्ट 5 days में, 2048 आएंगे नेक्स्ट 5 days में। आकाश आपने सिर्फ इतना सा ही काम किया था, दो बंदों को आपने वीडियो के थ्रू यहाँ पर लाया था, ठीक है। एंड आपके नीचे अगर मैं इनका टोटल करता हूँ तो कितने लोग आपके नीचे जुड़ते हैं, मैं इन सबका टोटल करूंगा अगर,
2 to 4,000, 5, 6 इस तरह से करता हूँ तो कितने आपके नीचे बंदे आते हैं, राउंड अबाउट 8,000 बंदा, ठीक है। किसी ने सेकंड मंथ में भी सेम हुआ, सबने अपना अपना इस्तेमाल, लेकिन नेटवर्क आपके अंडर था, उन लोगों का आपके अंडर था, यानी कि 800-8,000 लोगों ने अपना अपना सामान लिया 700 रुपए का। और अगर मैं इन सबका कैलकुलेट करता हूँ कितना होता है, तो 8,000 × 700, तो आकाश आपने कंपनी को कितने की सेल दी है, 56 लाख की सेल दी आकाश ने, आकाश आपने कंपनी को दी है 56 लाख की सेल, ठीक है। एंड आपके नीचे आपको हाफ पॉइंट मिलते हैं, इसके मैंने बताया था, हाफ पॉइंट मिलते हैं, 28 लाख आपको पॉइंट मिलेगा। एंड अभी तक आप कंपनी में काफी अच्छे लेवल पे आ गए, क्योंकि आपने सेकंड मंथ में ही 56 लाख की सेल दी होती है कंपनी को नेटवर्किंग के थ्रू, तो आप काफी अच्छी रैंक पे आए, तो कंपनी आपको देती है 7%। पहले मैंने कितना दिया था उसने, कंपनी ने आपको 4% 4% दिया था, अब कितना देगी कंपनी आपको 7%, यानी कि अगर मैं 28 लाख का, ये 28 लाख, 28 लाख का 7% करूंगा मैं, तो 28 लाख का आपकी सेकंड मंथ की क्या बनती है सैलरी, 1,96,000 आपकी सेकंड मंथ की सैलरी बनती है, 1.96 लाख, ठीक है। आकाश हम बोलते हैं कि आपके नीचे सेकंड मंथ में, दूसरे महीने में नेटवर्किंग से जुड़ने में, दूसरे महीने में आपके नीचे 8,000 बंदा नहीं लगता है, यानी कि किसी को पसंद नहीं आ रहा काम, या आगे लोगों को नहीं ये बैठ के वीडियो दिखा रहे साथ में, ठीक है, या नहीं पसंद आ रहा, 4,000 बंदा तो होगा। अगर 4,000 बंदा भी हुआ तो हम इसका हाफ कर देते हैं, 1,96,000 का हाफ कर देंगे, तब भी आपका राउंड अबाउट 95,000 आपका सैलरी आ जाएगी दूसरे मंथ की, ठीक है। हम बोलते हैं 4,000 बंदा भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, कितना बंदा इंटरेस्टेड, 2,000 बंदा ही इंटरेस्टेड है, तब भी आपकी कितनी सैलरी आ जाती है, राउंड अबाउट 40,000 लगा लो आप, मैं मिनिमम ही कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि 1,000 ही बंदा जुड़ा, जबकि इस वीडियो के थ्रू काफी सारे लोग मेरे ऑफिस में आ रहे हैं, ठीक है, मैं बोलूंगा 1,000 ही जुड़ा, तब भी आपकी कितनी सैलरी बनती है, 20,000। अगर मैं बोलता हूँ 500 ही जुड़ता है, सिर्फ 500, जबकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, 500 जुड़ा फिर भी आपकी सैलरी कितनी बनती है, 10,000, ठीक है। अगर हम बोलते हैं 250 बंदा ही जुड़ा, सिर्फ और सिर्फ 60 दिनों में सिर्फ 250 बंदा ही जुड़ता है, फिर भी आपकी सैलरी कितनी बनती है, इसका हाफ कर लो 5K, यानी कि 5,000। तो मैंने कितनी लिखी थी आपकी सेकंड मंथ की सैलरी, 5,000, ठीक है, तो मैंने मिनिमम लिखी थी 5,000, बिल्कुल मिनिमम, ठीक है। तो थर्ड मंथ का तो आप मेरे ख्याल से सर पढ़े लिखे लगते हैं, ठीक है, एंड जो वीडियो को देख रहे हैं वो भी शायद पढ़े लिखे होंगे, पढ़े लिखे ही हैं सारे के सारे, तो आप थर्ड मंथ का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। सेकंड मंथ में अगर 56 लाख की सेल निकल रही है, सिर्फ इतना सा काम करके कि दो बंदों को आपने वीडियो दिखाया एंड उनको यहाँ पर आप लेकर आए, ठीक है, एंड उनको बोला कि उनका सिर्फ नाम आपने एंटर कराया यहाँ पे कि मैंने इन दो लोगों को वीडियो दिखाई है, ठीक है, नाम एंटर करके आपने अपना आईडी क्रिएट करवा लिया। अच्छा, अब आकाश ने मुझसे पूछा था कि सर अगर ये दो लोग वीडियो देख के यहाँ पर आ भी गए, ठीक है, और उन्होंने एंट्री कराई, लेकिन ये आगे दो लोग ना ला पाए आगे तो क्या होगा, मतलब ये दो लोग आगे दो लोग ना ला पाए तो क्या होगा। लेकिन आकाश आपसे जो पहले आए हैं ना, जो आपसे पहले जितने भी बंदे आए उनके भी तो नाम अभी हमने एंटर किए हुए हैं, जैसे ही उनके दो दो बंदे आएंगे तो उनकी आईडी क्रिएट होती है। सपोज करो आप पहले ही लेके आगे दो बंदे तो आपकी आईडी हो जाएगी क्रिएट, ठीक है, उसके बाद जब वो लेके आएंगे तो आपके वाले बंदे चाहे ना लाए बट उनके वाले जो दो बंदे आएंगे तो उनकी तो आईडी होगी ना क्रिएट, तो वो कहां होगी, वो आप ही के अंडर क्रिएट होगी, यानी कि आपका नेटवर्क टूटता नहीं है। सपोज करो दो बंदे जो आए उन्होंने आगे दो दो बंदे नहीं लाए, फिर भी आपका नेटवर्क जो है वो टूटेगा नहीं, बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका काम थर्ड मंथ में आपका बहुत ज्यादा काम निकलता है, ठीक है, एंड थर्ड मंथ में मिनिमम आपको सैलरी 15,000 तो आएगी ही आएगी, मिनिमम कम से कम बोला हुआ, ठीक है। तो जो इस कंपनी में मोदी केयर में मैं आपको बताऊंगा इतना सा काम करना है, अभी तो आपको इतना सा ही काम करके मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी में जो टॉप अर्नर है, जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर सुरेखा भार्गवा, ये आप फोटो देख सकते हैं इनकी, ये आज 75 लाख रुपीज पर मंथ ले रहे हैं इस कंपनी से, मोदी केयर से। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं, सिर्फ ये ही नहीं, काफी सारे और भी लोग हैं जो अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं मोदी केयर से, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू काफी सारे लोग ऐसे हैं। एंड सिर्फ और सिर्फ आपको इस कंपनी से पैसा ही नहीं मिलता है, आपको कार फंड्स मिलते हैं कंपनी से, जैसे कि आप देख सकते हैं इस कंपनी से इनको इसी कंपनी से कार मिली है, एंड इस तरह से आपको कारें मिलती हैं कंपनी से, आपको ट्रैवल फंड मिलता है, आपको हाउस फंड मिलता है, आपको काफी सारी चीजें मिलती हैं कंपनी से और, ठीक है। एंड इसी तरह से सिर्फ पैसा ही नहीं, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एंड मैं आपको बताऊंगा इसके लिए आपको मोदी केयर के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आपको बताया था इतने बंदे आपके नीचे लग रहे हैं इतना कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि हवा में काम हो रहा है। इसका मोदी केयर प्ले स्टोर पे ऐप आता है जिसका नाम है मोदी केयर ऑब्वियसली, तो मोदी केयर ऐप आता है, वो अपने फोन पे आप कर लो डाउनलोड, ओके, एंड वो करके आप उसमें आपको एमसीए नंबर क्रिएट होगा, पर वो आईडी आपकी तब तक नहीं बनेगी। एंड लिसन, अगर आप 5 दिन के अंदर दो बंदे यहाँ पर आप नहीं लेके आते, जरूरी नहीं है कि वो दो बंदे काम करेंगे आगे नहीं करेंगे, बट आपको लेकर आना, क्योंकि आपको तो अपनी आईडी क्रिएट
करवानी है, अगर आपको अपनी आईडी क्रिएट करवानी है तो आपने वो दो बंदों को वहां पर लेके आना, उनका नाम अपने यहाँ पर रजिस्टर करना कि मैंने इन दो लोगों को वीडियो दिखाई थी। आगे वो दिखाए ना दिखाई किसी को, वो आपकी हेडेक नहीं है, बट उन दोनों को दिखानी है आपने, ठीक है। तो 5 डेज के अंदर अगर नहीं ला पाते हो तो अगर आप 6 डे में 6 दिन में आप 10 बंदा भी यहाँ पर लाते हो तो आप रूल के अंदर फॉल ही नहीं करते हो, जो मैंने आपको 2-2 करके रूल बताया था उसके अंदर उसके अंडर आप फॉल ही नहीं करते हो, देन आपको इनकम कैसे आएगी। इसलिए 5 दिन के बाद अगर आप आते हो तो आपकी आईडी क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। एंड जो मैंने आपको बताया था कि एवरी लास्ट संडे वो आप जब विजिट करते हो तो हमारी मीटिंग का लोकेशन मैं बता दूंगा आपको। तो कुछ ही दिनों में जो आप सोच रहे हैं कि मैं जो दो बंदे मैं लेकर आ जाऊंगा बाद में, अभी नहीं करता, तो मैं आपको ये बताऊंगा कुछ ही दिनों में वो भी आपको नहीं मिलेंगे, आपके फ्रेंड्स ही होंगे जिनके अंडर नेटवर्क क्रिएट हुआ होगा। आप सोचोगे काश मैं तब आ गया होता वो वीडियो देखिए ये वाला, तो मेरा भी क्रिएट हो जाता नेटवर्क। तो मैं आपको इतना सा सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सकता है इस कंपनी के साथ जुड़े, एंड प्रॉफिट आपको होना ही होना है जितना मैंने आपको बोला है 1500। एंड एक और चीज है इस कंपनी में, अगर आपको जो आप सामान परचेज करते हो वो आपको पसंद नहीं आता, लाइक आप बोलोगे यार मेरे को सूट नहीं किया या फिर मेरे को पसंद नहीं आया, तो वो आप 100% मनी बैक रिफंड ले सकते हो। कंपनी ने बोला है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो आप 100% अपना मनी बैक ले सकते हो। एंड वो जो चीजें होंगी जो आपको 700 रुपीज में मिलेंगी, वो भी उन चीजों का कुछ चीजों का हम यहाँ पर डेमो करेंगे, आपको बताएंगे कि जो 700 की परचेज जो एक तो आपको हेल्थ मिल रही है एंड वेल्थ तो मिल ही रही है आपको उसके साथ, तो हम उन चीजों का डेमो करेंगे, 2-3 चीजें। तो ये कुछ हम डेमो करने जा रहे हैं, आपको बताएंगे ये जो 700 का आपको प्रोडक्ट देंगे वो भी कुछ बेकार प्रोडक्ट नहीं है, टॉप क्वालिटी के इसके प्रोडक्ट्स आते हैं। तो हम 2 ग्लासेस में पानी लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लिया हमने। एंड आपने इसके बारे में सुना होगा लाइजोल के बारे में, तो लाइजोल पे लिखा होता है 99.9% जर्म्स किल करता है ये, ठीक है। एंड मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने एक ये डेमो के लिए लिया है कि हमने उजाला ले लिया, उजाला को बोला गया है साइंटिफिकली प्रूव है कि इसमें बैक्टीरियाज होते हैं अच्छे वाले बेटे जो हमारे कपड़े को साफ रखते हैं, और तो हम इसका डेमो लेंगे। एंड हमने क्या किया, इसमें डाला बैक्टीरिया डाला, ओके, ये बैक्टीरिया डाला इन 2 ग्लासेस में, एंड एक में डालेंगे हम लाइजोल जो कि सब यूज़ करते हैं। तो लाइजोल को मैं डालूंगा एक ढक्कन इसके अंदर, हमने सिर्फ चेक करना है कि कौन सा बैक्टीरिया जल्दी ख़त्म करता है, ठीक है। ये एक ढक्कन डाला इसका, एंड प्लीज़ यहाँ से शॉट ले लो इसका, ठीक है। एक ढक्कन डाला हमने, एंड ये हमारे कंपनी का आता है स्टेरिक्लीन, सेम प्राइस पे आता है स्टेरिक्लीन, सेम ही प्राइस पे आता है, ठीक है। एंड ये हम हाफ ढक्कन डालेंगे, हाफ भी नहीं हाफ से भी कम है आप देख सकते हो, ठीक है। हाफ ढक्कन डालेंगे एंड इन दोनों को स्टिर करेंगे, देखेंगे कि किस कौन सा ज़्यादा पावरफुल है। तो ये आपके सामने ही है कि जो स्टेरिक्लीन था हमारी कंपनी का उसने बिल्कुल बैक्टीरिया जो था वो ख़त्म कर दिया, एंड जो लाइजोल था वो वैसे का वैसे ही है। एंड स्टेरिक्लीन को अगर हम इसमें डालते हैं तो इसका भी जो है बैक्टीरिया ख़त्म हो गया, एंड सिर्फ कलर जो है वो आ गया लाइजोल का, यानी कि इसमें कोई कलर कटिंग फार्मूला नहीं है। लाइजोल का जो कलर था वो पिंक कलर था, तो इसी तरह से हम आपको एक बताएंगे इसका डेमो। आप घर में ये तो करते ही होगे यूज़, जैसे कि कोलगेट सब करते हैं यूज़ घर पे, तो एक कोलगेट लेंगे हम, इसको यहाँ पर रख देंगे कोलगेट, एंड एक लेंगे हम ये सबको पता ही है वैसे दंत कांति पतंजलि वालों का, इसको लेंगे एंड इसका डेमो किया हमने इस तरह से यहाँ पर रख दिया। एंड थर्ड हम लेंगे हमारी कंपनी का फ्रेश मोमेंट्स, ये हमारी कंपनी का आता है फ्रेश मोमेंट्स, एंड थर्ड स्पून में हमने इसको ले लिया थोड़ा सा एंड यहाँ पर रख दिया। एंड उसके बाद ये हमारे पास है एच सी एल एसिड है, ये ऑयल नहीं है, एच सी एल एसिड है, प्लीज़ यहाँ पर शॉट लो। तो ये कॉलगेट है, ये वाला लास्ट वाला कॉलगेट था, हम इसमें थोड़े से ड्रॉप, आपको पता ही है जैसे कि केमिकल में मिलता है तो कोई ना कोई रिएक्शन तो ज़रूर होती है, अगर इस कॉलगेट में केमिकल हुआ तो कुछ ना कुछ रिएक्ट ज़रूर करेगा, तो इसमें हम थोड़े ड्रॉप्स डालते हैं केमिकल के यानी कि HCl के, एंड इस तरह से आपके सामने ही है कि इसमें जो है झाग बन रहा है, दैट मीन्स इसमें केमिकल है इसमें। एंड हम दूसरा लेंगे दंत कांति, इसमें भी थोड़ा सा डालेंगे हम 2-3 ड्रॉप्स, तो इसमें भी झाग बन रहा है, इसमें भी केमिकल मिला हुआ है। एंड हम अपनी कंपनी का लेंगे फ्रेश मोमेंट्स में हम डालेंगे थोड़ा सा केमिकल,
तो इसमें बिल्कुल भी जाग नहीं बन रहा। ओके तो इस तरह से हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे टॉप क्वालिटी के। तो फ्रेंड्स आपने अभी देखा, मैंने दो चीजों को आपको डेमो दिखाया। इस तरह से कंपनी में 400 प्रोडक्ट्स आते हैं, सबके सबका डेमो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। ISO सर्टिफाइड कंपनी है, यानी कि बहुत ही अच्छी कंपनी है एंड 22 ईयर से चल रही है कंपनी। लिमिटेड कंपनी है, जो लोग कॉमर्स करते हैं उनको पता होगा प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। तो लिमिटेड कंपनी है तो जरूर ज्वाइन कीजिए। एंड अगर आपको इसके ऑफिस में आना है अपना नाम एंटर करवाने, तो आप उसी के थ्रू जिसने आपको ये वीडियो दिखाई है आप उसके थ्रू इसके ऑफिस में आ सकते हैं। एंड मैं तो बोलूंगा जल्दी से जल्दी इसके इस काम के साथ जुड़े। एंड काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो बंदों को वीडियो दिखाना है एंड 700 की अपनी बिलिंग करवानी है विद इन 5 डेज। आप अपने घर का सामान बाहर से ले रहे हो वही यहां से लेना है। और एवरी लास्ट संडे ऑफ द मंथ आपको जो है मीटिंग अटेंड करनी है, उसमें आपको बताएंगे किस हिसाब से काम होता है। सो थैंक यू सो मच, जरूर मीट करें मुझसे आकर। थैंक यू सो मच।